मैं विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से, सब्जेक्ट बॉडी परफेक्शन एंड योगा, सब्जेक्ट कोड PC208 में, टॉपिक है ट्रीटमेंट थ्रू योगा पार्ट टू। योगासन द्वारा उच्च रक्तचाप की चिकित्सा, हाइपरटेंशन क्योर बाय योगा। आज के समय में व्यक्ति जिस तरह से तनाव का जीवन जी रहा है, उसके कारण उसका शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। ऐसी ही बीमारी है उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। योगासन द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्य रक्तचाप 120-80 होता है। इससे अधिक होने पर उच्च रक्तचाप माना जाता है। इसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण रक्त की धमनियों में रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके कई कारण हैं, जैसे अनियमित जीवन शैली, अत्यधिक धूम्रपान और शराब का सेवन, गर्भ निरोधक दवा के सेवन से वंशानुगत तथा तनावपूर्ण जीवन आदि, आहार में मसालेदार भोजन, घी, तेल, जंक फूड, डिब्बाबंद भोजन, बेकरी उत्पाद आदि का सेवन सीमित करें। भोजन सकारात्मक भाव से और खुश मन से करें। सुबह के पानी के साथ कच्चे लहसुन का सेवन उच्च रक्तचाप में फायदेमंद हो सकता है। उच्च रक्तचाप के लिए किए जाने वाले आसन, सुखासन, सेतुबंध आसन, पश्चिमोत्तानासन और शवासन। आइए देखते हैं इन आसनों को करने की विधि। सुखासन करने की विधि। योग मैट पर दंडासन में बैठ जाएं। इसके बाद दोनों पैरों को बारी बारी से क्रॉस करते हुए घुटने से भीतर की तरफ मोड़ें और पालथी से मारकर बैठ जाएं। घुटने जमीन को छूते रहें और पैर आराम से रहेंगे। कमर सीधी रहे और कंधों को तान कर रखें। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर गोद में रखें। इस आसन में जब तक आराम से बैठा रहना चाहें बैठे रह सकते हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। इस आसन को करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैरों की स्थिति को रोज बदलते रहें। जैसे एक दिन आपने दाएं पैर को ऊपर रखा तो अगले दिन बाएं पैर को ऊपर की तरफ मोड़ कर बैठें। सेतुबंध आसन करने की विधि। पीठ के बल लेट जाएं, अपने बाजुओं को धड़ के साथ रख लें, टांगों को मोड़कर पैरों को अपने कूनों के करीब ले आएं, जितना करीब हो सके उतना लेकर आएं, हाथों पर वजन डालकर धीरे धीरे कूनों को ऊपर रखाएं। ऐसा करते समय श्वास अंदर लें, पैरों को मजबूती से टिका कर रखें और अपने हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ें। ध्यान श्वास पर केंद्रित करें और इस मुद्रा में 5 से 10 सेकंड तक रहें। फिर कूनों को वापस जमीन पर टिकाएं। नीचे आते वक्त श्वास को छोड़ें, सामान्य अवस्था में आ जाएं। पश्चिमोत्तानासन करने की विधि। योगा मैट पर बैठ जाएं, जमीन पर दोनों पैरों को एकदम सीधा फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच में दूरी ना हो और जितना संभव हो पैरों को सीधा रखें। इसके साथ ही गर्दन से और रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखें। इसके बाद दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखें। अब अपने सिर और धड़ को धीरे से आगे की हो चुका है और अपने घुटनों को बिना मोड़े हाथों की उंगलियों से पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। इसके बाद गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। अपने सिर और माथे को घुटने से छूने की कोशिश करें। बाहों को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने की कोशिश करें। अब श्वास छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक रहें। धीरे धीरे अभ्यास करें। अब सामान्य स्थिति में आ जाएं। शवासन। इसे शवासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे करते समय शरीर मृत व्यक्ति के समान होता है। शवासन करने की विधि।
योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को शरीर से कुछ दूरी पर रखें। हथेलियां आसमान की ओर खुली होनी चाहिए। पैरों के बीच करीब एक फुट का फासला रखें। सिर को दाएं या बाएं एक ओर लोका लें। आँखों को बंद रखें और श्वास धीरे धीरे लें और छोड़ें। इस समय मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों पर ध्यान न दें और सारा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। स्वयं को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें और जितनी देर इस अवस्था में रह सकते हैं उतनी देर इस अवस्था में रहें। द्वारा मधुमेह की चिकित्सा, डायबिटीज क्योर बाय योगा। हाई ब्लड शुगर लेवल को हम डायबिटीज यानी मधुमेह के नाम से जानते हैं। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करके इस नुकसान से बचा जा सकता है या इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक दूर रखा जा सकता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की इंसुलिन का उत्पादन या उपभोग करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। इंसुलिन इस ऊर्जा को कोशिकाओं तक पहुँचाने में सहायक होता है। अतः जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। मधुमेह होने के कारण इंसुलिन का ना बनना, उच्च रक्त शर्करा स्तर का होना, अनुवांशिक कारण होना, जीवन शैली का अनियमित होना, मोटापा या वजन का अधिक होना आदि हैं। मधुमेह रोग के लिए किए जाने वाले आसन, वज्रासन, गौमुखासन, वृक्षासन, हलासन। आइए देखते हैं इन आसनों को करने की विधि। वज्रासन करने की विधि। योगा मैट पर बैठ जाएं। आसन पर दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। पैर के दोनों घुटने परस्पर लगे हुए रहें। पैर के तलवों के ऊपर नितंब रहे। कमर बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़े बिना घुटनों पर रख दें। हथेलियां नीचे की ओर रहें। दृष्टि सामने स्थिर कर दें। 5 से लेकर जितनी देर संभव हो सके इस आसन में बैठें और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। गौमुखासन करने की विधि। योगा मैट पर बैठ जाएं। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार लाएं कि इसकी एड़ी नितंब और जांघा के बराबर में स्पर्श करती रहे और पंजा भूमि पर टिका रहे तथा दोनों घुटने भी परस्पर मिले हुए हों। इसके बाद जो पैर ऊपर है वह हाथ ऊपर से मोड़ें और जो नीचे हैं उसे नीचे से पीठ के पीछे से इस प्रकार रखें कि हथेली का रुख बाहर की ओर हो और उंगलियां सिर की ओर हो। अब बाएं हाथ की उंगलियों में दाएं हाथ की उंगलियां परस्पर फंसा लें। इस स्थिति में 1 से 2 मिनट तक रहें। अब सामान्य स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया पैर बदलकर दोहराएं। इस स्थिति में भी 1 से 2 मिनट तक रहें। इस आसन का अभ्यास 3 से 5 बार करें। सामान्य स्थिति में आ जाएं। वृक्षासन करने की विधि। जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के दोनों ओर रखें। अब दाहिने घुटने को मोड़ें और उसे बाहें जांघ पर रखें। यह ध्यान रखें कि आपके पैर का तलवा आपकी इनर थाई पर सीधा रखा हो। अब दोनों हाथों को हाथ नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को रोकें अर्थात कुंभक करें। जितनी देर हो सके उतनी देर श्वास को रोकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। सामान्य स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया पैर बदल कर करें अर्थात बाएं पैर से को दाहिने जांघ पर टिकाएं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कुंभक करें और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं।
आसन करने की विधि। सबसे पहले योगा मैट पर पीठ के बल सीधा लेट जाएं और हाथों को भी शरीर से सटाकर सीधा रखें। अब पैरों को घुटने से मोड़े बिना धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को सहारा देते हुए पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। पैरों की उंगलियों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें और ध्यान रहे कि इस अवस्था में हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। इस मुद्रा को हलासन कहते हैं। हलासन द्वारा अवसाद की चिकित्सा, डिप्रेशन क्योर्ड बाय योगा। अवसाद या डिप्रेशन का संबंध मनोविज्ञान में मन की भावनाओं से जुड़े हुए दुखों से होता है। इसी रोग या सिंड्रोम भी माना जाता है। लोगों को डिप्रेशन का अनुभव कई अलग तरीकों से हो सकता है। ये रोजमर्रा के कामों को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। ये कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर भी असर डाल सकता है। डिप्रेशन लगातार उदास या हताश महसूस करते रहने की अवस्था है। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो डिप्रेशन की वजह से कई लक्षण प्रकट होने की संभावना रहती है। इन लक्षणों में से कुछ आपके मूड को प्रभावित करते हैं तो कुछ आपके शरीर को। इसके अलावा लक्षणों में भी स्थिरता नहीं होती है, वे कभी कभी आते हैं और फिर चले जाते हैं। डिप्रेशन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। योगासन के अभ्यास और प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर रखने में मदद मिलती है। अवसाद के लिए किए जाने वाले कुछ आसन, त्रिकोणासन, शवासन, बालासन, भुजंगासन। आइए देखते हैं इन आसनों को करने की विधि। त्रिकोणासन करने की विधि। योगा मैट पर दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दाएं पैर को दाईं ओर मोड़कर रखें। अपने कंधों की ऊंचाई तक दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। अब श्वास लें और दाईं ओर झुकें। झुकते समय नजर सामने रखें। दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करें। बायां हाथ सीधा आकाश की ओर रखें और नजर बाएं हाथ की उंगलियों की ओर रखें। अब वापस सीधी अवस्था में लौट कर आ जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर हाथ बदल कर अभ्यास करें। ऐसा कम से कम 3 से 4 बार प्रयास करें। अब सामान्य अवस्था में आ जाएं। बालासन करने की विधि। बालासन करने के लिए योगा मैट पर वज्रासन में बैठ जाएं। अब श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर उठा लें। हथेलियां नहीं जोड़नी है। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। ध्यान रहे कि कूल्हे के जोड़ों से झुकना है, ना कि कमर के जोर से। तब तक आगे झुकते रहें जब तक कि आपकी हथेलियां जमीन पर नहीं टिक जाती। अब सिर को जमीन पर टिका लें। अब आप बालासन की मुद्रा में हैं। पूरे शरीर को रिलैक्स करिए और लंबी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। शवासन। इसे शवासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे करते समय शरीर मृत व्यक्ति के समान होता है। शवासन करने की विधि। योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को शरीर से कुछ दूरी पर रखें। हथेलियां आसमान की ओर खुली होनी चाहिए। पैरों के बीच करीब 1 फुट का फासला रखें। सिर को दाएं या बाएं एक ओर रोका लें। आँखों को बंद रखें और श्वास धीरे धीरे लें और छोड़ें। इस समय मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों पर ध्यान न दें और सारा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। स्वयं को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें और जितनी देर इस अवस्था में रह सकते हैं उतनी देर इस अवस्था में रहें। योगासन द्वारा पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर की चिकित्सा, PCOD क्योर्ड बाय योगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर PCOD एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है। यह आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में
हार्मोन में असंतुलन के कारण पाई जाती है। इसमें महिला के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है व ओवरीज पर एक से ज़्यादा सिस्ट हो जाते हैं। यह जेनेटिकली भी हो सकता है और ज़्यादा वजन होने पर भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा तनाव भरी जिंदगी भी इसका एक मुख्य कारण हो सकती है। जिन लड़कियों में पीरियड की समस्या देखने को मिलती है उन्हीं लड़कियों को PCOD की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर कम उम्र के चलते ही इस समस्या का पता लग जाए तो इसे काबू में किया जा सकता है। इसके लक्षण हैं वजन बढ़ना, थकान, शरीर व चेहरे पर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना, मासिक धर्म चक्र में असंतुलन और बाल पतले होना आदि। PCOD डिसऑर्डर के लिए किए जाने वाले कुछ आसन: तितली आसन, बद्धकोणासन, चक्की चलनासन और भुजंगासन। आइए देखते हैं इन आसनों को करने की विधि। तितली आसन करने की विधि। तितली आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। अब पैरों को मोड़कर हाथों की उंगलियों को पैरों के पंजों के ऊपर लाकर आपस में मिला लें। इस दौरान आपकी एड़ियां शरीर से सटी भी होनी चाहिए। सामान्य रूप से सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाएं और फिर नीचे लाएं। ऐसा 15 से 20 बार करना चाहिए। बद्धकोणासन करने की विधि। दंडासन में बैठ जाएं। तितली आसन की तरह ही घुटनों को मोड़कर पैरों को दोनों हाथों से मिलाएं, जिससे तलवे एक दूसरे को छूते रहें। जितना हो सके पैरों को शरीर के करीब ले आए, जबरदस्ती ना करें। अब दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लें, कूल्हे के जोड़ों से आगे की ओर झुकें जब तक कि सिर जमीन को स्पर्श ना करें। ऐसा होने में कुछ समय का कुछ दिन लग सकते हैं। अभ्यास करते रहें। इसका अभ्यास 3 से 5 बार प्रतिदिन करें। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आए, पैरों को सीधा करें और दंडासन में आ जाएं। चक्की चलनासन करने की विधि। चक्की चलनासन करना बेहद आसान है। इसके लिए आप फर्श पर मैट बिछाकर बैठ जाएं। बैठने के बाद दोनों पैरों को बिल्कुल सामने की ओर फैला लें। बैठने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर लॉक लगा लें और पैरों के पास तक यानी अपने सामने लाएं। दोनों हाथों को जोड़े हुए ही इसे क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें, जिस तरह से चक्की चलाई जाती है। 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इस आसन का अभ्यास 3 से 5 बार तक करें। अब सामान्य स्थिति में आ जाएं। भुजंगासन करने की विधि। योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को जांघों के पास जमीन की तरफ करके रखें। ध्यान रखें कि टखने एक दूसरे को छूते रहें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ करें। अब अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें। सांस को भीतर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ ले जाएं। कुंभक करें, जितनी देर हो सके श्वास रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं।